तो हाँ जी, क्या हाल चाल? तो भाई IQ भैया जो है वो रेडी है अपने IQ Neo 10 सीरीज को लॉन्च करने के लिए। अब इसके अंदर पूरे दो स्मार्टफोन है, IQ Neo 10 और एक है IQ Neo 10 Pro। बट आज के इस वीडियो में कवर करूंगा IQ Neo 10 के बारे में, क्योंकि इसकी ना कुछ लीक सामने आई हुई है, यानी कि माल मसाला क्या हो सकती है इसके अंदर। बट अनफॉर्चुनेटली इसके भी फर्स्ट लुक सामने नहीं आई है, दिखने में कैसा होने वाला है। इसीलिए जो अभी आप आगे देखेंगे ना, पिक्चर्स और इमेजेस जो देखेंगे, वीडियोस जो देखेंगे आप, वो IQ Neo 9 का ही देखेंगे। डेट्स वाई, क्योंकि बताया जा रहा है कि कुछ हूबहू वैसे ही डिजाइन देखने को मिलने वाला है जैसा IQ 13 देखने को मिलने वाला है। जैसे बैक साइड में IQ 12 और IQ 13 में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किया गया है। बस क्या चेंजेस है उसके लिए आपको जाके वीडियो देख लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी बना दिया है। बट आज कवर करेंगे IQ Neo 10 के बारे में, डिटेल सामने आई है, सब बताने वाला हूं। प्लस इस वीडियो के थ्रू पैसे कैसे कमाएंगे वो भी बताने वाला हूं। और हाँ भाई साहब, बताऊंगा कैसे पैसे कमाएंगे। एक काम करना है, क्योंकि मैं नोटिस कर रहा हूं आप सब लोग ना वीडियो देखते हो बट कुछ चीजें करना भूल जाते हो। क्या भाई? लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तो आपके लिए फ्री होती है, मुझे थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाती है। खैर चलिए बात करते हैं IQ Neo 10 के बारे में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनूप, आप देख रहे खुद का टेक चैनल टेक्नो अनूप, क्योंकि आप हैं तभी तो मैं हूं। तो हाँ जी, चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या माल मसाला होने वाला है। बट कब तक लॉन्च होगी IQ Neo 10? बताया जा रहा है कि दिसंबर के मंथ में चाइना में लॉन्च होगी, ठीक उसके बाद 2-3 महीने बाद, यानी कि नेक्स्ट ईयर मंथ, यानी मार्च तक आपको देखने को मिलेगा अपने यहाँ भारत में। कौन सा स्मार्टफोन लॉन्च होगा बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिल्ड क्वालिटी से। दोस्तों बात करें बिल्ड क्वालिटी की ना, तो भाई जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी है। दो टाइप की है, पहला ग्लास बिल्ड होगा और एक होगा लेदर बैक के साथ प्लास्टिक फ्रेम ग्लास फ्रंट। बट फ्रंट में किस की प्रोटेक्शन है भाई? अब बताया जा रहा है कि उड़ते हुए कबूतर से पता चल रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल सकती है। अब पिछले ऐसा नहीं है, IQ Neo 9 में शॉर्ट सेंसर का सा प्रोटेक्शन दे दिया गया था। देखिए उसी को मतलब अपने परंपरा को फॉलो करती है या फिर कुछ चेंज करती है, अभी लीक्स रूमर्स है। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। लेकिन फोन का वेट बताया जा रहा है समवेयर अराउंड 196 ग्राम, थिकनेस 8.4 mm। साथ ही आपको IP68 की रेटिंग देखने को मिल जाएगी। धूल और पानी दोनों से फोन को प्रोटेक्ट करने वाली है। अब सवाल है दिखने में कैसा होने वाला है? तो देखिए अभी तो डिजाइन सामने नहीं आई है, लेकिन जो उसका एक ब्लू प्रिंट है वो सामने आया, बताने वाला हूं। चलिए बात करते हैं डिजाइन की। दोस्तों डिजाइन की बात कहें तो फिलहाल अभी ऑफिशियली इमेज सामने तो नहीं आई है, ना ही कोई लीक्स रूमर्स, अभी जो इमेज आती है लीक्स इमेज, जो कैड रेंडर इमेज, वो अभी सामने नहीं आई है। लेकिन बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं IQ Neo 9 को ही फॉलो करेगी, यानी कि बैक साइड टॉप पर आपको डुअल कैमरा की ही हाउसिंग मिलने वाली है। साथ में आपको IQ की ब्रांडिंग, फ्रंट साइड की बात करें तो सेंटर पंच छोड़कर आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन इस बार वेजर चीन पतली सी होगी, 90% के आसपास बॉडी रेशियो होने वाली है, वेजर चीन पतली सी होने वाली है। कंटेंट कंज्यूम करने में मजा आने वाला है। कलर्स की बात करें तो फिलहाल 3 कलर्स की अपडेट आ रही है। यहाँ बताया जाए पहला तो ब्लैक होगा, फिर एक रेड कलर हो सकता है जो कि वैगन लेदर के साथ होगा, और दूसरा तीसरा जो होगा वो ब्लू कलर हो सकती है, ये भी वैगन लेदर के साथ देखने को मिल सकती है। अभी ये अकॉर्डिंग टू लीक्स रूमर्स है, चेंजेस हो सकती है। बस सवाल ये कंटेंट कंज्यूम के मामले में डिस्प्ले कैसी होगी, चलिए बात करते हैं डिस्प्ले की। दोस्तों डिस्प्ले की बात करें तो भाई साहब जबरदस्त है, कंटेंट कंज्यूम करने में ना लिटरली मजा आने वाला है। लार्ज डिस्प्ले है, यहाँ मिलेगा 6.78 इंच की 1.5K 10 बिट्स का 8T का LTPO गेमिंग वाला एमुलेट पैनल, 2800x1260 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20:9 का स्पेक रेशियो, 453 PPI की पिक्सल डेंसिटी, 4000 नीट्स के आसपास की पिक ब्राइटनेस, 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 360 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट, HDR10+ वाइड वाइंग L1 सपोर्ट शानदार होने वाला है। बस मुझे एक उम्मीद था कि इस बार हो सकता है BOE वाला डिस्प्ले यूज कर ले, लेकिन अकॉर्डिंग टू लीक्स रूमर्स देखा जा रहा है 8T का LTPO ही एमुलेट यूज होने वाला है। उसको सांस तो लेने दे बे। अब देखते क्या, लेकिन 10 बिट्स के 1.5K का डिस्प्ले है, 2K हो सकता है, ठीक है लार्ज डिस्प्ले, कंटेंट कंज्यूम करने मजा आने वाला है। 10 बिट्स का कलर सबको अच्छे मिलेंगे, HDR10+ वाइड वाइंग L1 सपोर्ट अच्छा है, नेटफ्लिक्स को छोड़कर अमेजन यूट्यूब पर HDR कंटेंट रगड़ के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्राइटनेस शानदार, इंडोर टू विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे इनफ है, 2800-2000 तक चल जाता है। रिफ्रेश रेट, टच सैम्पलिंग रेट, कॉम्बिनेशन शानदार, सोशल मीडिया पेज स्क्रॉल करके गेमिंग करने मजा आने वाला है। लेकिन सर गेमिंग एमुलेट पर नाम रखा गया है,
यानी कि भाई साहब गेमिंग करने में मजा आने वाला इनहांस क्वालिटी कर देता है। कैसे करेगा बताऊंगा आगे, लेकिन बात करते हैं भाई साहब गेमिंग की, बात आई है तो भाई सवाल आ रहा होगा ना कि दिमाग कौन सा यूज किया जाएगा। चलिए बात करते हैं परफॉर्मेंस की। दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करें, बताया जा रहा है कि इस डिवाइस को शक्ति देगी क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर, 4 नैनोमीटर के फैब्रिक से बनाया गया है। एनर्जी एफिशिएंसी जबरदस्त है भाई साहब, हीटिंग उसे काफी कम देखने को मिलने वाला है, लार्जर वेपर चेंबर कूलिंग का भी सपोर्ट यहां देखने को मिलने वाला, कितना भी बताया तो नहीं गया है लेकिन जबरदस्त है। ऑप्टिमाइजेशन अच्छा किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कितना पावरफुल है चलिए नजर डालते इसके रॉ सिस्टम। यहां मिलता है वन कोर्टेक्स X4 जो कि 3.3 GHz तक क्लॉक किया गया है, वहीं 5 कोर्टेक्स A720 जो कि 3.15 GHz तक क्लॉक किया गया है, वहीं 2 कोर्टेक्स A520 जो कि 2.27 GHz तक क्लॉक किया गया है। परफॉर्मेंस तो बटरी स्मूथ है, सुपर से ऊपर वाला परफॉर्मेंस मिलने वाला है, आराम से आप 90 FPS तक गेमिंग कर सकते हैं। यह मिलता है एड्रीनो 750 GPU साथ ही LPDDR5XM UFS 4.0 वाला स्टोरेज को मिलेगा। रीड राइट की स्पीड जो है आपकी स्पीड है ऑसम होने वाली है, 10-11 5G बैंड देखने को इजीली मिल जाते हैं। रही बात ऑन टू द स्कोर की तो 21 लाख तक टच करने वाला है, जबरदस्त होने वाला है। और प्लस डेडिकेटेड Q1 चिप भी देखने को मिलेगा जो कि इन्हांस करता है गेमिंग परफॉर्मेंस को, 120 FPS तक गेमिंग कर रहा था, प्लस गेमिंग डिस्प्ले देखने मिल रहा है, तो इस बार गेमिंग नेक्स्ट लेवल होने वाली है। सवाल है इमेज और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे सेल्फी लेंगे कैसा होगा, चलिए बात करते हैं कैमरा की। दोस्तों कैमरा की बात करें ना तो इस बार थोड़ा सा अच्छा लगा, अकॉर्डिंग टू लिक्स उमस डुअल कैमरा है, दोनों ही जबरदस्त है। पहला है 50 MP मेन सेंसर OIS सपोर्ट के साथ सोनी का सेंसर देखने को मिलेगा, वहीं 50 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस बताया जा रहा है जो कि सैमसंग J1 सेंसर यूज किया जा सकता है। अब ये लिस्ट उम्र से बदल सकती है, क्वालिटी अच्छी मिलने वाली है, 8 Gen 3 का प्रोसेसर है, सदुपयोग किया गया ना क्वालिटी बम्पर आने वाली है। हाँ 8K 30 FPS 4K 60 FPS 1080 240 रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपके खूबसूरत चेहरे को रील शॉट बनाने के लिए 16 MP का ही सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। शायद ओमनी विजन सेंसर देखने को मिल सकती है, कुछ अपडेट तो है नहीं, बट 4K 1080 60 रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि क्वालिटी यहाँ पर अच्छी होने वाली है, यानी कि गेमिंग सेंट्रिक फोन तो है ही, कैमरा भी अच्छा आपको निकाल के दे देगा। अब सवाल है सबको चलाने के लिए कितना इसकी बैटरी मिलेगी, चलिए बात करते हैं बैटरी की। दोस्तों बैटरी की बात करें ना तो अकॉर्डिंग टू डिजिटल चैट स्टेशन यहाँ बैटरी नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, यहाँ बैटरा मिलेगा, 6500 mAh का बैटरा मिलने वाला है, 100 W की चार्जिंग सपोर्ट के साथ, चार्जर बॉक्स में डेफिनेटली मिलेगा बैकअप, शानदार निकाल के देगा, डिपेंड करता है कैसे यूज करते हैं, और 2 दिन तक आराम से निकाल ही देगा। लेकिन अब बात करें इसके सेंसर सिक्योरिटी प्राइवेसी की, नो डाउट अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर फेस अनलॉक ऑप्शन डेफिनेटली मिलता है, सेंसर में सारे सेंसर मिलेंगे, एक्सेलेरोमीटर जायरोस्कोप प्रॉक्सिमिटी फलाना ढिकाना शटर पुटर NFC सब मिलेंगे, USB टाइप सी पोर्ट मिलने वाला है, बताया जाएगा 3.1 वाला मिलेगा, यहाँ पर टाइप जो Gen 1 पोर्ट मिलेगा, अच्छा खासा स्पीड मिलने वाला है, डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेगा यहाँ पर, बट अनफॉर्चुनेटली ना कोई 3.5 mm ऑडियो जैक ना ही कोई कार स्लॉट देखने को मिलने वाला है। लेकिन अब बात करें इसके सॉफ्टवेयर की, दोस्तों सॉफ्टवेयर की बात करें तो बताया जा रहा है कि लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 के ऊपर आउट ऑफ दी बॉक्स यानी फ्रंट टच OS 15 देखने को मिलने वाला है, 3 साल एंड्रॉइड 400 सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ, बट OS साइड यूजर इंटरफेस ठीक ठाक होने वाली है, ब्रॉडबैंड मिल सकते हैं, अभी कुछ अपडेट तो है नहीं, बट अब बात करें इसके वेरिएंट्स। दोस्तों वेरिएंट्स की बात करें तो IQ Neo 9 को ही फॉलो करने वाली, यानी कि 3 वेरिएंट्स बताए जा रहे हैं, बेस वेरिएंट होगी 8+128, 8+256, 12+256, ऑप्शंस अच्छे हैं जिसकी जैसे रिक्वायरमेंट सिलेक्शन, बट सवाल यहां पर यह आता है कि भाई साहब आपने बताया था कि इस वीडियो के थ्रू पैसे कैसे कमाने हैं और इस डिवाइस की प्राइस क्या हो सकती है, चलिए बात करेंगे। उससे पहले अपना एक टारगेट है, बस 200 लाइक का टारगेट है, पहुंचा दीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली साथ, चैनल परिवार है ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए, क्योंकि आपकी जो फ्री होती है मुझे थोड़ी सी बेनिफिट यहां मिल जाती है। खैर चलिए बात करते हैं प्राइस की। दोस्तों प्राइस की बात करें तो ये चीज मैं अभी नहीं बोलूंगा, ये मैं आप पर छोड़ता हूं, आप अपने हिसाब से प्रिडिक्शन लगाइए कि डिजाइन तो लगभग वैसे कुछ होने वाली है, कुछ कैमरा लेआउट चेंज हो सकती है, बट माल मसाला देखते हुए आपके हिसाब की प्राइस क्या हो सकती है। और यही डिवाइस IQ Neo 10 इंडिया में लॉन्च होगा, चांसेस है IQ Neo 10 Pro के नाम से इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है, जैसे भाई साहब IQ Neo 9 के जैसे साथ किया गया था, चाइना में IQ Neo 9 लॉन्च हुआ, अपने यहाँ भारत में रास्ते में आते आते वो प्रो वर्जन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है ये चीज। तो बाकी आपके हिसाब से इसकी प्राइस क्या हो सकती है भारत लॉन्च होगी, तो बताएं अपना प्रिडिक्शन कमेंट करके, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना ओपिनियन शेयर जरूर कीजिएगा, नए व्यूअर जो आते हैं उनको भी हेल्प मिलता है और मुझे भी अच्छा लगता है भाई साहब आपके प्रिडिक्शन को देखते हुए यहाँ पर। हाँ पिछला वीडियो में मैं कमेंट नहीं रिप्लाई कर पाया था, मैं बिजी था,
करूंगा उसका भी कमेंट का रिप्लाई यहां भी कर दूंगा मैं। और कमेंट कीजिएगा क्योंकि यही चांसेस होते हैं ऐसे कमाने के, जितना कमेंट करेंगे मंडे टू सैटरडे इवन संडे वाले वीडियो में भी, तो रैंडमली कमेंट सेलेक्ट किया जाता है किसी एक बंदे का, लेकिन इस बार दो तीन विनर का नाम अनाउंस किया जाएगा। प्राइस क्या होगी, कैसे क्लेम करना, सब बताया जाता है। इसे कहता हूं कमेंट करिए, प्यार बरसाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, कहीं अगला नंबर आपका तो नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Thank you.